ये तो असल का मुटिका ज्यादा है। ये बैक पे लगाने के लिए है। बैक पे भी एक्सीडेंट बटन के कारण। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की भी वीडियो होने वाली है आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद पे आप लोग सोच रहे होंगे कैसा ड्रेस बनाएं, कैसा कलर हो, क्या स्टाइल हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की सीरीज स्टार्ट करूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। आप मेरी वीडियोस देख के प्यारे प्यारे से खूबसूरत से आप अपने लिए भी ईद के लिए ड्रेस बना सके। स्टार्ट होने वाली है आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की सीरीज स्पेशली फॉर ईद अंडर बजट। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, फॉर लव एंड अप्रिसिएशन। लेट्स गो मार्केट चलते हैं, आज जल्दी से। तो जी जनाब, चल रहे हैं हम लाल कुर्ती बाज़ार रावलपिंडी, ठीक है। और ये बाज़ार आपको कॉन्वेंट स्कूल के बिल्कुल साथ है, और यहाँ का लैंडमार्क एक और है आपको मैं बता देती हूँ, बाटा चौक लाल कुर्ती, और ये GHQ के बिल्कुल सामने है। आई होप कि आपको लोकेशन अब क्लियर हो जाएगी। और वैसे भी आप जब गूगल में डालेंगे लाल कुर्ती बाज़ार नियर कॉन्वेंट स्कूल, तो आपको गूगल वाली आंटी जो है वो आराम से ले जाएंगी, ठीक है। सो हम लोग चल पड़े हैं आज आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की तलाश में, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं ईद आउटफिट्स पे वीडियो बनाने लगी हूँ, और आपको लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ये सारा है लाल कुर्ती बाज़ार, जो पूरी मार्केट है कपड़ों की, और कपड़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी आपको, हर तरह का कपड़ा आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए जी, हम पहुँच गए लाल कुर्ती बाज़ार। अब आप गौर से देख लीजिएगा, मैं एक एक चीज़ क्लियर बताऊँगी कि ये बाज़ार ये सामने इधर ही जो है हबीब बैंक है, ठीक है। एक रोड यहाँ से भी आती है, इस रोड का नाम था अजीज मोटी रोड, नहीं नहीं पता नहीं, शायद याद नहीं है। खैर आज निकले, दुकानें वो आप देख रहे हैं, शहनशाह का हाउस है और सामने पैनोरामा सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे ना ये ऊपर है उस्मानिया रेस्टोरेंट, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा। तो जारू भी आई है मेरे साथ शॉपिंग करने, है ना जारू, हेलो बोल दे सबको, आ जाए। हेलो, तो यहाँ पे आपको मैं बताती जाऊँ कि मेरी मोस्ट फेवरेट मार्केट फॉर शॉपिंग है लाल कुर्ती बाज़ार। मैं मोस्टली अपने यहीं से फॉर्मल कैजुअल जितने भी मेरे कपड़े होते हैं, मैं यहीं से कपड़ा खरीदती हूँ और ख़ुद डिज़ाइन करती हूँ, बजाय इसके कि मैं डिज़ाइनर वेयर लूँ, वो बहुत महंगा पड़ जाता है और आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो मैं ख़ुद से कपड़ा खरीदती हूँ कम से कम कीमत पर, और अपनी पसंद से डिज़ाइन करती हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त आउटफिट बन जाते हैं। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही ब्लैक ड्रेस की कोई डिज़ाइनिंग शेयर करें, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लैक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। नेट है क्या? ये बिल नेट है, और ये है लेकिन बोटी में जाल लगा, ये शिफॉन नहीं है। तो मैंने बनवाना है फ्रॉक, उसकी मैं डिज़ाइन आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ, जिसके लिए मुझे ब्लैक नेट नहीं चाहिए था, ब्लैक ऑर्गेन्जा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ब्लैक कढ़ाई वाला शिफॉन, क्योंकि उसकी फ्रॉक की जो है फॉल बहुत अच्छी आती है, ऑर्गेन्जा भी अच्छा लगता है, लेकिन फ्रॉक की उस तरह से फॉल नहीं आती, ना ही नेट की उस तरह से आती है। सो मैं निकल चुकी हूँ बाज़ार में ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन कपड़ा लेने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक मैं टिप देना चाहूँगी कि मार्केट में आप जब निकलते हैं तो हर शॉप को विज़िट किया करें, क्योंकि मार्केट में भी जो है वो शॉप्स के रेट्स डिफरेंट होते हैं, तो लिहाजा मैं हर शॉप को विजिट करती हूँ। तो जब भी आप ब्लैक कपड़ा लें तो उसको डे लाइट में ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि जेट ब्लैक होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप कोई मैचिंग साथ ले रहे हैं तो उसको भी डे लाइट में उसके साथ मैच करके देख लें, ताकि सारों का कलर जो है एक ही जैसा हो, एक ही टोन में जेट ब्लैक हो। तो भाई ने मुझे बहुत सारे एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न सिखाए, लेकिन मुझे जो है वो स्कैटर्ड चाहिए था, बूटियों बूटियों वाला, मुझे जाल नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था ज़रा लाइट हो, क्योंकि खुद मैं उसमें डिज़ाइनिंग ऐड करके और उसको परफेक्ट सा एक आउटफिट बना सकूं। तो यहाँ पे मुझे इस तरह की जो बूटियों बूटियों वाले हैं ब्लैक शिफॉन पे, वो पसंद आ गए थे, और मैंने फिर फाइनली इसको फाइनल कर लिया। सोच रही दुपट्टा इसका ही ले लूँ, है ना, तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे बनाना था फ्रॉक, वो भी पैनल्स वाला, और ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक दुपट्टा ऑलरेडी मेरे पास घर में मौजूद था, और मोस्टली हर एक के पास ब्लैक ट्राउज़र भी होता है, ब्लैक दुपट्टा भी हुआ होता है। तो मैंने फिर बजट का कंट्रोल किया, सोचा कि उसी के साथ कोई दुपट्टा जो घर में पड़ा हुआ है, ट्राउज़र पड़ा हुआ है, उसी के साथ जुगाड़ करते हैं, सिर्फ जो है वो फ्रॉक का कपड़ा ख़रीदते हैं।
ये बूटी वाला अच्छा तो था। मैंने कपड़ा डन किया और मैंने एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा 3 गज लिया और 3 गज ही प्लेन शिफॉन क्रिंकल का लिया, जिसको दोनों को मिक्स करके मैं बनवाऊंगी फ्रॉक। बस आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप देखनी है कि किस तरह से जो है मैं मार्केट में शॉप करती हूँ और दिमाग में मेरी पीछे चीज़ें भी चल रही होती हैं कि घर में जो चीज़ अवेलेबल है उसको भी यूटिलाइज करूँ ताकि मेरे पैसे कम से कम लगें। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ दुपट्टे वाली शॉप पर, क्योंकि मैं दुपट्टा साथ लेके आई थी और इसको मैं डिज़ाइन करके बता रही हूँ कि बॉर्डर्स पर जो आपको नज़र आ रहा है वो जो कढ़ाई वाला कपड़ा मैंने पैनल्स के लिए लिया था उसको बॉर्डर पे लगा दे ताकि मेरा दुपट्टा ज़रा जो है वो ब्रांडेड उसमें लुक आ जाए और उसके जो सिंपल चीज़ है वो ख़त्म होके ज़रा उसका जो है ना निखार आ जाए। तो ये मैंने जो कपड़ा था अपने शिफॉन का मैंने पैनल्स के लिए जो लिए हुए थे उसको कटवाया और दोनों दुपट्टे की साइड पर जो बॉर्डर है उसके लिए उसको सेट करके दिया। और इसमें आप ये देखते हैं अगर गोल्डन का तो ये देखिए 250 का बड़ा भी है, 150 का भी है, ये भी अच्छे से है, 300 के जा रहे हैं, कौन सा भी कलर ले ले, डिजाइनिंग बहुत है, ये डिजाइनिंग है, ये इसके ऊपर ये देखिए, ये किस तरह ये वाले, ये 4 अगर आप लेने तो ये 120 के 4 है, ये बैक पे लगाने के लिए है, बैक पे भी एक्सटेंड बटन के कॉर्नर्स पे भी डोरी लंबी नहीं है तो वो लंबाई है, वो डोरी होते थे ये जिनिया मर्जी, ये भी वहां 2-4 डिजाइन और कहां होना, मैं तो डिजाइन बड़े ये किस तरह है, 2-2500 का है, देखो 250 का एक है, ਇਹਦੇ 400 ਦੇ ਸਸਤੇ ਵੀ ਆਏ 250 ਦੇ 2 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਵੇਖੋ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਆਏ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆਏਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਮناسب ਕੀਮਤਾਂ ਮੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰੇ ਅੱਛਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਐ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨਾ इनके पास बहुत अच्छी लेसिस की भी वैरायटी है, सामने पीको वाला भी है, गोटा मोटा लगा देगा, भावलपुरी कुंदन है, इसका वजन कोई नहीं है, ये बड़े जरूर ने लेकिन इसका लाइट वेट है, वेट बहुत लाइट है, ये किस तरह है, 800 दे, कोई काट वाद काट कर देने जितने मर्जी दे दो, चलो थैंक यू, ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, मैग्नेट वाले हो गया, जबरदस्त, ये चारों तरफ हो गई और ये जोड़ लग गया हमारा, दिखाना ये जोड़ दिखाना किस तरह फिक्स किया, ये भाई ने कर लिया ठीक है, इसके पास आप जरूर आइएगा, बहुत अच्छा लड़का है, ये डन हो गया, मिस्त्री हो गया इसका ठीक है, और इसकी कितनी तुमने ली है, 300 रुपये पूरे दुपट्टे पे लेस लगाई और ये बॉर्डर जो लगाया, थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा दुपट्टा तो मैंने खड़े खड़े अपने सामने ही सारा डन करवा लिया, उसके ऊपर जो है वो गोल्डन डोरी भी लगवा ली, बॉर्डर्स भी एडजस्ट करा लिया, अब आ चुके हम लाल कुर्ती, चांदरी लेस हाउस है और दूसरा ग्लिटर जरी ज्वेली कॉस्मेटिक, ये दोनों लेसेस की शॉप्स बहुत अच्छी हैं, इनके पास हर तरह की वैरायटी है, लेसेस कॉस्मेटिक एंड एवरी थिंग, मैं मोस्टली इन्हीं से ही लेती हूँ और यहाँ पर मैं देख रही थी कि फ़्रॉक के ऊपर कैसी लेसेस लगवाऊँ, लेकिन मुझे ये बहुत हैवी लग रही थी तो मैंने सोचा कि जो गोल्डन बारीक वाली जिगजैग वाली गुच्छियाँ मिलती हैं डोरियों की वो लेती हैं, एक तो वो मुनासिब पड़ेगी और वो अच्छी भी लगेगी। गुच्छी का गुच्छी किस तरह गुच्छी है, अच्छा ये कर लेंगे हम ठीक है, अच्छा मैं ये ले लूँगी, ये ले रही हूँ क्योंकि ये हम पैनल्स में इनको लगाएंगे ठीक है, सो डन, ये तो असल का मुटिका ज़्यादा है, टिक्का भी बन सकता है पता है आपको, डोरी लग के ना काली इजीली बनेगा, ये वाला कपड़ा भी डन हो गया, लेसेस भी डन हो गई, अब जाके बनाती हूँ डिज़ाइन और फिर जाके दे आती हूँ टेलर को। तो ये रहा जो मैंने सारा स्केच किया था फ्रॉक का डिज़ाइन, डिटेल में मैं एक एक चीज़ मेंशन करती हूँ और ये पेपर जो है वो फिर मैं कपड़े में डाल के टेलर को दे देती हूँ ताकि वो भूले ना, और एक पिक्चर अपने पास रख लेती हूँ ताकि मैं बाद में चेक कर सकूँ कि वही डिज़ाइन है जो मैंने दिया था, अक्सर आप बना के जो है वो भूल जाते हैं तो जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड अपने पास रखती हूँ। तो डन हो गया मेरा ड्रेस, आप यकीन करेंगे एक दिन के अंदर अंदर मुझे माँ साहब ने बना के दिया, माँ साहब बहुत अच्छे हैं और जब भी मुझे कपड़े चाहिए होते हैं तो वो बना देते हैं, कभी लेट भी हो जाता है जब मुझे ज़रूरत ना हो, लेकिन जब भी मुझे इमरजेंसी में चाहिए हो तो वो मुझे बना देते हैं, सो थैंक यू टू मास्टर साहब। हाँ मैं इनके आपको ये नंबर शंबर दिखा दूँ, ये इनकी नंबर डिटेल्स, टसल्स डन, चलो बेटे थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत फिट लग रहे हैं, चलो बेटे इसको डालो।
टटटे, ये रही ड्रेस की फाइनल लुक। अब आप लोग मुझे बताएं कि जैसा मैंने स्केच किया था, जैसा मैंने डिज़ाइन बताया था, परफेक्ट वही डिज़ाइन मुझे मास्टर साहब ने बना के दिया है। इसकी फ्रंट पे 5 पैनल्स एम्ब्रॉयडर्ड वाली हैं और 5 पैनल्स प्लेन क्रिंकल शिफॉन की है। इसके पीछे वजह ये थी, अगर मैं सारा एम्ब्रॉयडरी का बनाती तो उसकी वो एक लुक ना आती और दूसरा मुझे महंगा पड़ जाता। जो प्लेन शिफॉन है ये 200 रुपये पर मीटर मिला था और जो कढ़ाई वाला ये 800 रुपये पर मीटर मुझे कपड़ा मिला था। 3 गज सिंपल लिया था काला कपड़ा और 3 गज मैंने एम्ब्रॉयडर्ड लिया था और तीनों को मैं 3 गज हो गया 6 गज कपड़ा लगा मुझे फ्रॉक पे और बाजू मैंने एम्ब्रॉयडर्ड रखे, सिंपल रखा थी तो अच्छे ना लगते। अब आप मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा डिज़ाइन और अगर आपको पसंद आया है और अब चाहते हैं कि ईद के लिए ये ड्रेस बनाएं, आप किसी भी कलर के ऊपर बना सकते हैं। मुझे ब्लैक की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जिसकी वजह से मैंने ब्लैक डिज़ाइन जो है वो शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ। वैसे मैं ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनती नहीं हूँ अलावा मुहर्रम और सफ़र के। तो ये रहा मेरा दुपट्टा जो ऑलरेडी मेरे पास काला मौजूद था, उसके बॉर्डर्स जो हैं वो मैंने एम्ब्रॉयडरी लगा दिए, साथ उसके जो है वो गोल्डन डोरी लगाई और यस ये है मेरा ड्रेस। 24 घंटे के अंदर अंदर बना है, ठीक है। और थैंक यू टेलर साहब का, मास्टर साहब का बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग भी उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बेशक आप कर लें, अगर आपको करीब पड़ते हैं तो। फ्रॉक की जैसे डिटेल्स मैंने पेपर में सारी मेंशन की हैं, फ्रॉक की लेंथ जो है वो 49 इंचेस है और अब आप ये देख लें कि इसका जो है ना घेरा वो 90 इंचेस फ्रंट का 90 इंचेस बैक का था, टोटल घेरा 180 बन गया, अच्छा खासा इसका फ्लेयर बन जाता है। और 17 इंचेस के इसके जो है वो स्लीव्स थे और साथ इसके स्लिप थी, अटल ब्लैक मुझे मिली थी और ये मैंने साथ अटैच कराई है। ट्राउज़र मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था रॉ सिल्क का, स्ट्रेट पैंट्स हैं, 7 इंच का पांचा है, लेंथ इसकी 36 इंचेस हैं और ये मैंने सोचा ज़रा घूम के भी दिखा दूँ ना आपको। साथ मैंने ईद की लुक क्रिएट की है ताकि आप लोग भी ऐसी क्रिएट कर सकें, ईद के बाद शादियाँ आती हैं तो आप इस तरह से अपने आप को रेडी कर सकते हैं। झुमके मैंने बड़े बड़े पहने और गोल्डन चूड़ियाँ पहन ली और साथ मैंने सोचा आज बाल खोलते नहीं है, जूड़ा बनाते हैं। जूड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों ने मुझे रेट ज़रूर करना है 10 में से आप कितने नंबर मुझे देंगे मेरी डिज़ाइनिंग के, मेरी लुक के। एंड स्पेशल थैंक्स टू फातिमा जिसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की, थैंक यू मेरा बच्चा। एंड यकीन करें इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। मेहनत का सिला यही है कि आप मेरे लिए ढेरों दुआएं कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आई लव यू।